हेलो गाइज, वेलकम टू टेक बज। तो आज मैं फिर से लेकर आ गया हूँ एक वैल्यू फॉर मनी टीवी का रिव्यू, जो है हाइसेंस का A7 सीरीज का 55 इंच का QLED टीवी। इस टीवी का मॉडल नंबर है 55A7K 2023। ये टीवी 4K डॉल्बी विजन HDR डॉल्बी एटमॉस जैसे काफ़ी सारे फीचर्स काफ़ी अफोर्डेबल रेट में देता है। तो आज मैं इसका अनबॉक्सिंग और डिटेल रिव्यू करूँगा, जिसमें मैं बात करूँगा इसके डिज़ाइन, फीचर्स, साउंड और पिक्चर क्वालिटी की, और आपको बताऊँगा क्या आपको ये हाइसेंस का 55 इंच का QLED टीवी लेना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन उससे पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशंस आ सके, और अगर आपको ये पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फटाफट इसके अब अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और चेक करते हैं इसके बॉक्स कंटेंट्स। बॉक्स में आपको ये 2 टेबल स्टैंड्स मिलते हैं मेटल के, उसके बाद ये स्क्रूज है उन्हें टीवी से अटैच करने के लिए। नेक्स्ट है पावर कॉर्ड, उसके बाद है टीवी का रिमोट जिस पर है नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब, YT म्यूजिक, ब्राउजर और ऑल ऐप्स का शॉर्टकट बटन। 2 बैटरीज भी दी गई है। नेक्स्ट है यूजर मैनुअल जिसमें यूजेज और इंस्टॉलेशन की डिटेल्स है। यह है वारंटी कार्ड, अगर आप 15 नवंबर से पहले लेते हैं तो 3 साल की वारंटी मिलेगी और 15 नवंबर के बाद रजिस्टर करने पर सिर्फ 2 साल की वारंटी मिलेगी। थैंकफुली वॉल माउंट फ्रेम भी मिलता है बॉक्स में और उसको फिक्स करने के लिए जरूरत की चीजें दी गई है, साथ में फ्रेम इंस्टॉलेशन गाइड भी दिया है। अब सबसे पहले पोर्ट्स की बात करेंगे तो टॉप में 2 USB पोर्ट्स है और उसके नीचे है मेमोरी कार्ड स्लॉट एंड ऑक्स पोर्ट। बैक में 3 HDMI पोर्ट्स है जो 4K 60fps तक सपोर्ट करते हैं, जिसमें से एक EARC HDMI पोर्ट है अपना होम थिएटर सिस्टम कनेक्ट करने के लिए। और उसके बाद 2 केबल टीवी एंटीना पोर्ट, एक लैंड पोर्ट और एक डिजिटल ऑडियो आउट पोर्ट है। बैक में रेड, येलो, व्हाइट वाला ऑडियो वीडियो पोर्ट भी दिया है ओल्ड DVD प्लेयर्स कनेक्ट करने के लिए। डिजाइन की बात करेंगे तो इसमें फ्लोटिंग ग्लास डिजाइन दिया है विथ मिनिमल बेजल्स, जो देखने में काफी प्रीमियम लगता है, और बेजल्स ग्लास में ही फ्लश हो जाते हैं, अलग से विजिबल नहीं रहते, जिसकी वजह से डीपर ब्लैक्स के वक्त फ्रेम विजिबल नहीं रहता। बॉटम फ्रेम भी काफी पतला है। E7 सीरीज 43, 50, 55 और 65 इंच में अवेलेबल है। सेंटर में है हाइसेंस का लोगो और उसके नीचे है इंडिकेटर LED। बॉटम राइट कॉर्नर में डॉल्बी विजन एटमॉस का लोगो है। मैंने फिलहाल इसे टेबल स्टैंड पर रखा है, बट वॉल माउंट में यह और भी अच्छा लुक देगा। ये टीवी वीडा OS पर रन कर रहा है, जो एक डेडिकेटेड OS है बिल्ट फॉर TVs। इसमें सभी इंपॉर्टेंट स्ट्रीमिंग ऐप्स अवेलेबल है, जैसे नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, Apple TV प्लस, YouTube, सोनी लिव, Eros Now, YouTube Kids एंड मेनी मोर। स्ट्रीमिंग ऐप्स की इसमें आपको कमी महसूस नहीं होगी, और एक डेडिकेटेड वीडा ऐप स्टोर भी दिया गया है जहां से आप एक्स्ट्रा ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं। बट हाँ, इसमें ऐप्स के चॉइस की थोड़ी कमी है। इसके होम स्क्रीन पर आपको कंटेंट वॉचिंग हिस्ट्री के हिसाब से ये पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस भी देता है। अब आपको इसके UI में ग्लोबल सर्च भी मिलता है, मतलब आप सर्च बार से डायरेक्ट किसी कंटेंट या मूवी को सर्च कर सकते हैं। आपको पर्टिकुलर ऐप के अंदर जाकर सर्च करने की जरूरत नहीं है, जिससे काफी टाइम बचेगा। और इसमें ब्राउजर भी दिया गया है, तो आप इसे इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसमें आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार का भी सपोर्ट है, तो आने वाले वर्ल्ड कप का इसमें आप पूरा मजा ले पाएंगे। और विडा OS अब पहले से काफी इंप्रूव और स्नैपियर है, आप मेनूज और एप्स के थ्रू काफी स्मूथली स्विच कर सकते हैं। लोडिंग टाइम्स काफी कम कर दिए गए हैं। अब टीवी की सेटिंग्स में पिक्चर मोड में स्मार्ट सीन का ऑप्शन है, जो AI के हेल्प से कंटेंट के हिसाब से बेस्ट प्रोफाइल सेट करता है, कंटेंट को रिकॉग्नाइज, प्रोसेस और ऑप्टिमाइज करके, जिसकी वजह से व्यूइंग एक्सपीरियंस बेटर होता है। साउंड सेटिंग्स में डॉल्बी एटमॉस, मल्टी चैनल, ऑडियो वायर टीवी स्पीकर और होम थिएटर सिस्टम जैसे ऑप्शंस है, और डेडिकेटेड इक्वलाइजर भी दिया है साउंड कस्टमाइजेशन के लिए। वॉइस असिस्टेंट के लिए इसमें विडा वॉइस और अमेजन एलेक्सा तो बिल्ट इन है ही, बट अगर आप चाहे तो गूगल स्मार्ट होम सर्विस भी सेटअप करके गूगल वॉइस असिस्टेंट यूज कर सकते हैं, बट एलेक्सा दिया है तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब इसका वॉइस असिस्टेंट चेक कर लेते हैं। ओपन YouTube। तो यहाँ पर तो कोई इशू नहीं है स्पीच रिकग्निशन में। लास्ट में एक विडा फ्री ऐप भी दिया है, जिसमें कुछ कंटेंट जैसे मूवीज, शोज, किड्स मूवीज और कार्टून वगैरह अवेलेबल है फ्री में। डिस्प्ले की बात करेंगे तो इसमें 4K VA पैनल मिलता है विद 3840x2160 पिक्सल्स, एंड इसमें HDR10 डिकोडिंग, डॉल्बी विजन, क्वांटम डॉट कलर टेक्नोलॉजी है विद वेरिएबल रिफ्रेश रेट एंड ऑटो लो लेटेंसी मोड। बट QLED क्वांटम डॉट कलर होता क्या है? तो बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है जो टीवी के बैकलाइट में यूज होती है। QLED टीवी में एक लेयर होता है विद नैनो पार्टिकल्स, जो काफी छोटे क्रिस्टल्स की तरह होते हैं, जिसे क्वांटम डॉट्स कहते हैं। और इस टेक्नोलॉजी की वजह से हमें 1 बिलियन प्लस ट्रू टू लाइफ कलर आउटपुट मिलता है विद विविड एंड पंची कलर्स। इसमें काफी हाई कॉन्ट्रास्ट और वाइब्रेंट कलर्स मिलते हैं, एंड ब्लैक लेवल्स इसके एक्चुअली काफी अच्छे हैं। ये टीवी के डिस्प्ले का असली मजा डॉल्बी विजन HDR वीडियोस देखते वक्त आता है, क्योंकि तब इसके डिस्प्ले का फुल पोटेंशियल पता चलता है, क्योंकि डार्क एरियाज में डिटेल्स काफी अच्छे से विजिबल रहती है, ब्लैक्स काफी डीपर रहते हैं, एंड हाईलाइट्स में भी डिटेल्स बहुत अच्छी रहती है। व्यूइंग एंगल इसमें डिसेंट है, क्योंकि साइड से पिक्चर क्वालिटी में कोई खास फर्क तो नहीं पड़ता, बस हल्का रिफ्लेक्शन आता है इसके शाइनी ग्लास की वजह से। अभी फिलहाल वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, और ऐसे में आप इसके AI स्पोर्ट्स मोड का पूरा मजा ले पाएंगे, क्योंकि उससे ओवरऑल इमेज, मल्टीपल डिटेल्स और साउंड काफी एनहांस हो जाता है, जो समो गेम के एक्साइटमेंट को और बेहतर करता है।
गेम मोड प्लस में 60Hz VRR यानी कि वेरिएबल रिफ्रेश रेट और ALLM मतलब ऑटो लो लेटेंसी मोड की वजह से इसमें गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी ज़बरदस्त मिलता है। तो चाहे आप इसमें कार गेम्स खेलो या फिर फर्स्ट पर्सन शूटिंग या फिर एक्शन गेम्स, फ्रेम्स काफ़ी स्मूथ रहते हैं जिससे गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी एनहांस होता है। इसमें 4K अपस्केलिंग का भी ऑप्शन है, तो अगर आप स्टैंडर्ड 720p रेजोल्यूशन या फिर फुल HD वीडियो भी देख रहे हैं तो ये उसको अपस्केल करके 4K जैसी पिक्चर क्वालिटी डिस्प्ले करता है, तो आपके केबल TV का एक्सपीरियंस भी इसमें इम्प्रूव होगा। अब ऑडियो की बात करेंगे तो इसमें 12 वॉट्स के दो स्पीकर्स हैं, मतलब टोटल 24 वॉट्स, और इसमें डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट मिलता है, तो ये नेटफ्लिक्स Amazon Prime पर डॉल्बी एटमॉस वाली मूवीज स्ट्रीम कर पाएगा फॉर अमेजिंग साउंड इफेक्ट, और आपको 3D स्पेशल ऑडियो इफेक्ट भी मिलता है डॉल्बी एटमॉस वाली मूवीज में। अब स्पीकर टेस्ट कर लेते हैं इसका। साउंड क्वालिटी इसकी काफी क्रिस्प, क्लियर एंड लाउड है। मेरा रूम साइज एक्चुअली काफ़ी बड़ा है, बट फिर भी मुझे इसे 35-40% से ऊपर लेके जाने की ज़रूरत नहीं लगी, और उससे ऊपर जाने के बाद भी साउंड काफ़ी क्लियर रहता है, कोई डिस्टॉर्शन नहीं आता। हाँ, बस आपको बेस की थोड़ी कमी लग सकती है, बट उसके लिए फिर आप अपना साउंड बार या फिर होम थिएटर कनेक्ट कर सकते हैं, बट TV के हिसाब से साउंड क्वालिटी इसकी अच्छी है। इसमें आपको DLNA, एयरप्ले और मिराकास्ट जैसे स्क्रीन मिररिंग ऑप्शंस मिलते हैं जिससे आप अपने फ़ोन का कंटेंट TV पर मिरर कर सकते हैं। तो आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पर। ये Hisense 55E7K 2023 TV ₹35,000 में सच में एक वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है, क्योंकि इसमें इसकी साउंड और पिक्चर क्वालिटी दोनों मुझे काफ़ी अच्छी लगी, एंड इसका वीडियो वॉइस काफ़ी स्मूथ है परफॉर्मेंस में। सभी लेटेस्ट फीचर्स, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स और कनेक्टिविटी पोर्ट्स भी प्रोवाइड किए गए हैं, तो आप इस TV को कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि एक वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है। ये फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल होगा फ्रॉम 8 अक्टूबर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये TV कैसा लगा, और अगर आपको हमारा ये रिव्यू पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। हम जल्दी लौटेंगे ऐसे टेक एंड गैजेट वीडियोस के साथ, सो टिल देन स्टे ट्यून्ड।